हाँ हेलो बच्चों, विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। आ गया हूँ मैं। आज थोड़ा समय को चेंज किया गया है, 4 बजे का समय लिया है मैंने। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा लेट हो जा रहा है, दो दो तीन तीन घंटे बाद 12 बज जाते हैं, बच्चे रात तक जागते रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि बच्चे रात तक जागें, तो मैंने सोचा कि मैं आज से ये जो अपना वीडियो है ये 4 बजे लाइव आया करूँगा। मेरे ख्याल में आप लोग सब घर पर हैं, 4 बजे जाग रहे होते हैं, और 4 बजे वाला जो समय है ये आपको ज़रूर से सूट करेगा। बताइएगा आप इसके बारे में मेरी अपनी राय कि क्या 4 बजे आपको ज़्यादा सूट करता है, या 9 बजे वाला समय आपको ज़्यादा सूट करता है, या जो टाइम आपको ज़्यादा सूट करता है 7 बजे 8 बजे, तो मैं उसके हिसाब से अपने वीडियो को शेड्यूल कर सकता हूँ। खैर, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट, दोस्त, मेंटोर, गुरु, सर, जो बोलना है बोल लो, आस्तिक सर, AU सर। 20 सालों से लगा हुआ हूँ बच्चों को पढ़ाने में, और अब मैंने अपने आप से एक वादा कर लिया है कि मैं अब बच्चों की मदद करूँगा। मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि रैंक उनकी काफ़ी अच्छी थी, पर उनको मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाया किसी कारण से। सो आई हैव डिसाइडेड कि भाई मैं अब बच्चों की पूरे तन मन धन से मदद करने वाला हूँ ताकि उनको सबसे अच्छा कॉलेज मिले। और यही है मेरा वादा, मेरा वादा ही है वचन, और मेरा वचन ही है शासन। ये मेरी टैग लाइन जो मैं इसी स्टाइल में बोलता हूँ, हर बार बोलता रहूंगा। मैं एक स्टाइल पकड़ लेता हूँ और उस स्टाइल को फॉलो करता हूँ, यही मेरे पढ़ाने का तरीका है। चैनल का नाम है फिजिक्स पाठशाला। आप सोच रहे हो फिजिक्स तो पढ़ा ही नहीं सर ने, वीडियो पड़े हुए रखे हैं, चालू कर रहा हूँ मैं। ऑनलाइन लेक्चर्स भी फ्री में मिलेंगे आपको यूट्यूब चैनल पे, फिजिक्स पाठशाला नाम है। मैं फिजिक्स भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। एक तरीका बता देता हूँ बच्चे को कि बेटा हर सवाल को सॉल्व करने का ये तरीका है, इसे आप देख लो। इसी तरीके से जिंदगी का हर सवाल आप कर सकोगे। यहाँ पे भी मैंने एक तरीका ढूंढ लिया है कि जो बच्चे मुझसे बोलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा डाउट आएंगे, मैं उसी चीज को आपके सामने अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। और पिछली बार जो सबसे ज्यादा डाउट आ रहे थे वो ऑल इंडिया कोटे पर आ रहे थे, AIQ से सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी सर। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये सवाल किया। मैंने कल रात में 3-4 बजे तक डाटा कलेक्ट किया, बहुत सारा डाटा मेरे पास आया है, मॉप अप राउंड का, स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, ऑल इंडिया कोटे में राउंड 1 राउंड 2 के बाद कितनी सीटें बची हैं, बहुत 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 सारा डाटा मेरे पास आ गया है। इतना मुझे समय नहीं मिला कि मैं उसको एसिमिलेट कर सकूं, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ एसिमिलेट किया उसमें से। 4 बजे तक मैं लगा रहा, सुबह से भी लगा हूँ उसी चीज़ में। जेई वाला वीडियो भी नहीं बना पाया मैं, अब मैं लाइव जाके बनाऊंगा उसको। खैर, मैं तो लाइव ही जाता हूँ हमेशा वैसे भी। तो मैंने बोला कि मैं एक थीम पकड़ लेता हूँ और उसी थीम को, उसी स्टाइल को फॉलो करता हूँ। मैंने थीम पकड़ी हुई है कि भाई हर वीडियो का नाम गाने पे होगा। तो आज का जो गाना है जिसपे मैंने ये वीडियो को बनाया है वो है हम होंगे कामयाब। बहुत पुराना ये गाना है और इसी बीच बनी आ गए। बनी बोल दो पहले, आप आके क्या बोलना चाह रहे हो, यहाँ से आके बोलो। ये नहीं हटाओ, नहीं ऐसे बोलो, जल्दी आप जल्दी बोलो, फिर जाओ। सब्सक्राइब अच्छे से बात करो। नहीं कर रहे हाँ, हो क्या? आज मैंने सुना सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और तेज बोलो वरना आवाज सुनाई देगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपसे 1 मिलियन बार कहा है कि सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। ठीक है, आज मैं लूंगा सब्सक्राइब। ठीक है, जाओ, अब आप जाओ। हाँ, तो मैंने बोला था कि मैं एक थीम पे काम कर रहा हूँ। हर वीडियो का जो टाइटल है वो मैंने थीम पे रखा हुआ है,
आज का टाइटल है हम होंगे कामयाब। बहुत पुराना सा गाना है ये, आपने शायद नहीं सुना होगा, आपने शायद इसका नया वाला वर्जन सुना होगा। तो मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ अपने कि हर दिन आप कुछ नया सीखते हो और आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हो ये आपके ऊपर है। तो मैंने भी नया सीखा है, मैंने सोचा कि चलो आज एक नई चीज़ ट्राई की जाए, वीडियो में थोड़ा और रोमांच लाया जाए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम होंगे कामयाब से। होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब होंगे कामयाब तो भाई मैंने सोचा कि आपको वो गाना तो सुना दूं जिस पे मैंने आज का वीडियो बनाया, हम होंगे कामयाब। और यही मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि बच्चा हार्ड वर्क करो, एग्जाम दो। आपका कल मैंने बताया था, मैंने छोटा शॉर्ट वीडियो भी बनाया कि भाई OMR शीट रिलीज हो गई है और बच्चों को मिल गई है OMR शीट। बच्चों ने रिप्लाई भी किया है कि सर OMR शीट आ गई है हमारे पास, ये अच्छी बात है। जिसके पास नहीं आई हो तो बताना कमेंट बॉक्स में कि सर हमको नहीं मिली है OMR शीट अभी तक। ज़्यादातर बच्चों को OMR शीट जो है वो मिल चुकी है, OMR शीट आ गई है, इसका मतलब आंसर की भी बहुत जल्दी आने वाली है और रिजल्ट भी उतना ही जल्दी। हालांकि JEE एडवांस का शायद रिजल्ट कल आ जाए, ये खबर आई है मेरे पास। देखा, चेक किया तो पता चला कि JEE एडवांस की जो रिजल्ट है वो कल आ सकती है। आपका रिजल्ट भी दूर नहीं है, आंसर की आने वाली है, इसी वीक में आ जाएगी। अपडेट आपको दूंगा, वादा है मेरा कि सबसे पहले अपडेट फिजिक्स पाठशाला आस्तिक सर से मिलेगा आपको। खैर चलते हैं, इंट्रोडक्शन काफी हुआ, चलते हैं अपन अपने वीडियो की तरफ। क्या करना है अपन को वीडियो में आज? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उसमें अपन ऑल इंडिया कोटा देखने वाले हैं कि ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीट्स आती हैं। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने का डाटा मुझे मिला, जितने का मैं एसिमुलेट कर सका वो मैं लेकर आया हूँ। ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ रैंक लेकर आया हूँ आपके लिए, देखते हैं अपन क्या है। सबसे पहले हर वीडियो में जो शुरुआत करता हूँ मैं आपको डाटा और नंबर के साथ शुरुआत करता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कितनी सीट्स हैं जिनके लिए लड़ाई हो रही है। मेडिकल सीट्स कितनी है ऑल इंडिया कोटे में, टोटल ऑल टोटल सीट्स कितनी है, एक बार उन पे अपन निगाह लगा लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस जो इंडिया में है वो 549 है, एक आध दो ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे जो डाटा मिला मैंने उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। 549 मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में, टोटल नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स जो हैं सब कुछ मिला के हर कॉलेज की, इसमें प्राइवेट कॉलेजेस भी इंक्लूडेड हैं, डेंटल कॉलेजेस भी, डेंटल नहीं है, BDS इंक्लूडेड नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस इंक्लूडेड हैं, सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एम्स, जिपमार, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया के सब इंक्लूडेड हैं। सबको इंक्लूड करके जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बनती है वो 78,373 सीट्स हैं ऑल इंडिया में। BDS के लिए जो कॉलेजेस हैं 313 हैं, जरूरी नहीं है कि अलग हो, एक यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज में MBBS भी हो सकता है, BDS भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑल इंडिया BDS सीट्स इंक्लूडिंग प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, जो भी मान लो, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 26,773 BDS की ऑल इंडिया सीट्स हैं। ये है पूरा सीट्स का लेखा जोखा। तो 78,000 सीट्स हैं, उन्हीं सीट्स में से अपन को निकालनी है अपनी सीट। अपना जो मेन कंसर्न है बच्चा, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ आपको, मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज में ना नहीं बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिले। प्राइवेट कॉलेजेस की सीट बहुत महंगी होती हैं, बहुत सारी फीस लेते हैं वो लोग, अफोर्ड नहीं कर सकते माँ बाप, ज़्यादातर माँ बाप परेशान हो जाते हैं। बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना है, वो सपना पूरा करने वो अपनी पूरी जिंदगी की लगा देते हैं,
मैं कोशिश करूंगा कि आपको सरकारी सीट मिले, कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छी फैसिलिटी मिले और आप डॉक्टर बन के निकले। ध्यान रहे बच्चा, यहाँ पे हमारा कंसर्न है कि आपको एक सीट मिलना चाहिए MBBS की गवर्नमेंट कॉलेज में। वो कौन सा कॉलेज है, कॉलेज से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाता है। हाँ, अगर आप एम्स की बात करेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे तो डिफरेंस बहुत सारा है फीस के अलावा भी। लेकिन अगर दो सेम सिमिलर कॉलेजेस हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, MBBS की डिग्री से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाता। MBBS बनना आपका एम नहीं है, आपका एम कम से कम PhD करके, कम से कम PG करके MD बनना है। तो ध्यान रहिए, एक कॉलेज चाहिए, एक सीट चाहिए, बस वही चाहिए है। बहुत ज़्यादा चॉइस पे मत जाना आप, जो सरकारी सीट अच्छे से मिल जाए वो ले लेना। ब्रेकअप देख लेते हैं अपन MBBS का एक बार। गवर्नमेंट कॉलेज जो अपन को टारगेट करने हैं 272 के आसपास है, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक आध दो नए खुले हों, वो शायद इसमें इंक्लूडेड नहीं हो। टोटल नंबर ऑफ सीट जो उस पर बनती हैं वो 41,388, ये वो सीट्स हैं। ध्यान रहे, इसमें जो भी सरकारी कोटा रिजर्वेशन वगैरह होता है सब इंक्लूडेड है, तो सब कैटेगरी की मिला के सीट्स की बात हो रही है। पूरे इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स की बात हो रही है। प्राइवेट कॉलेजेस 260 हैं, दो चार ऊपर नीचे हो सकते हैं बेटा, कुछ नए खुल गए हों जो डाटा में नहीं आ पाए हों, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए आप वो मत करना, क्योंकि ये डाटा मैंने उससे निकाला है, रात में असिमिलेट किया है, तो हो सकता है एक दो कॉलेजेस यहाँ वहाँ हो गए हों। 35,540 के आसपास सीट्स बनती हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। नीट में जो कॉलेजेस हैं वो 500, ऑलमोस्ट हर कॉलेज है जो नीट के थ्रू अपना लेता है एंट्रेंस, 76,928 सीट्स के आसपास इसमें आ जाती हैं। 18 एम्स हैं, मैंने बताया था, दो जिपमार हैं, मैंने उसके बारे में बताया था आपको। 1207 सीट है यहाँ पे, 1207 सीट एम्स में है आपके पास। 200 के आसपास मैंने पूरा लिखा जो का दिखाया था आपको, जिपमार का इंटरनल सीट के बारे में बताया था, फॉरेन कोटे की सीट के बारे में बताया था। कुल मिला के कहानी बनती है 78,333 सीट, 78,333 सीट्स, जिसके लिए आप नीट या कोई भी मेडिकल एग्जाम दे रहे हैं। एक निगाह अपन शुड ऑल्सो पुट वन आई ऑन द BDS थिंग। BDS भी बहुत अच्छा ब्रांच है जो आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं, अगर आपके नंबर बहुत ही ज़्यादा कम आए, हर बार बच्चा मुझसे पूछता है कि सर मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ, सर BDS मिल रहा है ड्रॉप लूँ या ना लूँ। बेटा देखो, आप ये समझने की कोशिश करो कि जो ह्यूमन कैपेबिलिटी है उसकी एक लिमिट है। हर बार बच्चा पूछता है मुझसे, तो मैं आज बता देता हूँ, फ्री में एडवाइस दे रहा हूँ। इस एडवाइस के लिए लोग पैसे लेते हैं, एडवाइस के लिए पैसे तो नहीं लेना चाहिए कि सर मेरे बच्चे के इस बार 300 आ गए हैं, BDS मिल रहा है, ड्रॉप ले लें। इस बार 300 आए सर, आप पढ़ाओगे फिजिक्स, 540-550 तक पहुँच जाएगा बच्चा, आपके दोस्त केमिस्ट्री और बायो पढ़ा देंगे, 550 तक बच्चा पहुंच जाएगा हमारा, सर MBBS हो जाएगा, ले लें सर ड्रॉप। एक चीज़ समझने की कोशिश करो बेटा, जितने भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, मैं भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, लेकिन मैं सच बोल के चलाता हूं, अनलेस एंड अनटिल एग्ज़ाम वाले दिन आपके साथ बहुत कुछ ख़राब हो गया हो, आपकी तबीयत ख़राब हो गई हो, आपका दिमाग नहीं चल रहा हो, आप एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए हो, पॉसिबल नहीं है कि आप 300 से 550 पे पहुंच जाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये ह्यूमन ह्यूमन कैपेबिलिटी के बाहर की चीज़ है। कोई भी बच्चा एक साल में इतना इम्प्रूव नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। अनलेस एंड अनटिल जब 11-12 गांव में बैठ के पढ़ा हो, उसको कोई उस वो ना साधन मिला हो, कुछ नहीं मिला हो, उसने कुछ नहीं पढ़ा हो, अपने दम पे पढ़ा हो, तब हो सकता है एक बार कि इतना आसपास पहुंच सके। अदरवाइज अगर कोई बच्चा 11-12 अच्छे से पढ़ा है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ा है, उसके 300 नंबर आए, अगली बार 550 नंबर नहीं आने वाले। कोई कुछ था भी कुछ कर ले, कितना भी झूठ बोल ले आपसे, आप इस बहकावे में मत आना, मेरी बात सुन लो बच्चों अच्छे से।
अगर सीट मिल रही है, पीडीएस में मिल रही है तो ले लेना, ले लेना, वरना फिर 2 साल बाद फिर आप 1 साल ड्रॉप लोगे। बच्चे 6 6 8 8 साल तक ड्रॉप लेते रहते हैं, माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होगा। बच्चों अपने माँ बाप का ध्यान रखो, पैसे का ध्यान रखो। एमबीबीएस करने के बाद भी आपको 20 25 हज़ार की नौकरी मिलेगी, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको कम से कम एमडी करना है, बहुत समय लगेगा। प्लीज़ ध्यान रखो, जो सीट मिल रही है उसको ले लो, छोड़ो मत। दिक्कत हो, डाउट हो, आपका रिजल्ट आने वाला है सबका, सब मुझसे पूछ लेना कि सर ड्रॉप लें कि नहीं लें, सर ये सीट मिलेगी बताइए, सर क्या सीट मिल रही है, ड्रॉप लें कि नहीं लें। आसिफ सर आपको बताएंगे, फिर इस पार्ट चला चैनल पे, चैनल पे भी इतनी जरूरत नहीं है, मैं हर बार वीडियो पे थोड़ी ना आके बता पाऊंगा आपको। आप कमेंट डाल दीजिए, मोबाइल नंबर चाहिए हो तो मोबाइल नंबर डाल दूंगा मैं, एक व्हाट्सएप वाला अपना, जिसपे आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच्ची राय दूंगा, सही राय दूंगा। आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस गुरु दक्षिणा के रूप में, गुरु दक्षिणा का जो सिस्टम है ये अभी का नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है। भगवान राम भी जब पढ़ने गए थे उन्होंने भी गुरु दक्षिणा दी थी, तो गुरु दक्षिणा तो बनती है, तो गुरु दक्षिणा मैं ज़रूर लूँगा आपसे। गुरु दक्षिणा के रूप में आप मुझे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। परेशान मत होइए, मैं सबके बारे में बताऊंगा। खुशी रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ अभी, ब्रेकअप देख ले एक बार। पहले मैं जो लेके आया हूँ सामान वो आपको दिखा दूँ, सामान का मतलब है मैंने रात भर मेहनत करके बनाया है आपके लिए, वो तो देख लो यार, रात भर की मेहनत लगी, देखो आंखें कैसे सूज गई है मेरी, वो बताता हूँ। फिर उसके बाद अपन आते हैं 548 पे। खुशी पूछ रही है कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, अभी आने वाले हैं, पूरे गवर्नमेंट कॉलेज लेके आ रहा हूँ मैं, जनरल की रैंक देख के बता दूंगा आपको कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। 548 पे आपकी क्या रैंक आएगी उसके हिसाब से बता दूंगा। घबराना नहीं है आपने, घबराना नहीं है आपने, आपको बने रहना है मेरे साथ। चैनल को लाइक कर दो, चैनल को लाइक नहीं करते यार, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ और उल्टा बोल जाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, यही मेरी आपसे गुरु दक्षिणा है, गुजारिश है कि अगर आप ऐसा कर दो तो बहुत अच्छी बात है। ये किसी ने मुझसे पूछा था तो मैं उसके लिए अपना ये खोल रहा हूँ, एक बार जरा मैं खोल के रख लूँ ताकि मेरे मन को शांति रहे कि मैं, अच्छा ये वाला नहीं है, कि मेरे पास वो डाटा है। मेरे सामने जब डाटा आ जाता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई अब मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। जब तक मेरे सामने नंबर नहीं रहते हैं थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस गड़बड़ रहता है, मुझे याद नहीं रहता है, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस को बोल सकते हैं। गजनी पिक्चर में आमिर खान को था वो प्रॉब्लम, भूल जाता था मैं, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा भूल जाता हूँ। खैर अब आ गया मेरे सामने 550 पे, मैं आपको रैंक के हिसाब से बता दूंगा कि आपको कितना कॉलेज मिलेगा। बने रहना है सामने, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बीडीएस कॉलेज का अपन देख रहे हैं कितने कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, 50 हैं, 3,500 सीट बनती हैं यहाँ पे अपने पास। प्राइवेट कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस 263 हैं, 263 हैं, 23,000 के आसपास सीट बनती हैं। ग्रैंड टोटल देखा जाए, एम्स में बीडीएस नहीं है ऑब्वियसली, 313 कॉलेजेस बनते हैं, 26,773 सीट, 26,773। एक फायदा हो रहा है मुझे ये वीडियो बनाने से, मैंने पहले जो वीडियो बनाए थे अंग्रेजी भाषा में बनाए थे, ये अंग्रेजी बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, थ्रू आउट इंग्लिश में पढ़ाऊँ मैं, इंग्लिश थोड़ी वैसी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन आप, अब मैं हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी के वर्ड निकलें, मेरी हिंदी थोड़ी इंप्रूव होती जा रही है। 71 72 73 मुझे पहले सोचना पड़ता था कि कौन सा होगा। खैर 26,773 तो कभी गलती से हिंदी में अगर गलत बोल जाऊँ तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं, हो सकता है गलती से गलत निकल जाए मेरे मुँह से। राउंड्स फटाफट राउंड देख लेते हैं, सबको बता चुका हूँ मैं राउंड्स के बारे में। टोटल 4 राउंड होते हैं, राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2 मॉप अप राउंड, राउंड नंबर 3 स्टे वैकेंसी राउंड, में समझा चुका हूँ। जो स्टेट कोटे के कॉलेजेस हैं जिसमें ऑल इंडिया कोटा से 15% का है, शुरुआत के दोनों राउंड्स में बता चुका हूँ। MCC कराती है दोनों राउंड्स के बाद का जो खेल है वो स्टेट कराता है, चाहे वो मॉपअप राउंड हो या स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो। एक चीज़ और ध्यान रहे कि जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो वो ज़्यादातर कॉलेज के थ्रू होती है, आखिरी में कुछ सीटें बच जाती हैं। बहुत सारे इस चक्कर में कांड हो चुके हैं, केसेस हो चुके हैं, फ्रॉड हो चुके हैं, कुछ सीटें मेडिकल कॉलेज अपने पास रख लेते हैं और मन चाहे दामों में बेचते हैं, ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए बच्चा।
आपके पापा का पैसा है, बहुत मेहनत से उन्होंने कमाया है। कोशिश करेंगे अपन। आशिक सर है आपके साथ, फिजिक्स पाठशाला पूरा चैनल है आपके साथ। नीचे वो स्क्रॉल चल रहा है, मैंने चालू कर दिया है, उसमें थोड़ा मैंने वो बैकग्राउंड डाल दिया है, अदरवाइज वो दिख ही नहीं रहा था। तो कुछ कुछ चीज़ें चेंज किए मैंने, आपको लगा होगा। और मैं रोज हर साल हर दिन चेंज करता जाऊंगा चीज़ों को, इम्प्रूव करता जाऊंगा चीज़ों को, ताकि आपको मैं अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट क्वालिटी के साथ दे सकूँ। 15% ऑफ ऑल सीट्स ऑफ ऑल कॉलेजेस ऑफ ऑल स्टेट ऑल इंडिया कोटे में आती है, पहले ही बता चुका हूँ। 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटे के लिए। सीट्स रिमेनिंग विल बी सेंड बैक टू स्टेट्स। अगर वो एम्स और जिपमार हो, ऐसे इंस्टीट्यूट नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑल सब ये सब नहीं है, तो 2 राउंड के बाद का जो बाकी का कार्यक्रम है वो स्टेट कोटे में चला जाएगा। स्टेट उसकी काउंसलिंग करेगा। 4th राउंड फिर मॉपअप राउंड के बाद का जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, वो शायद कॉलेज खुद कंडक्ट करे, जो भी करना है वो स्टेट के पास है। एमसीसी का, मेडिकल काउंसिल का कोई भी इसमें हाथ नहीं है। ऑल इंडिया कोटे में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑल इंडिया कोटे में 15% एमबीबीएस बीडीएस सीट्स ऑफ ऑल स्टेट्स, 100% एमबीबीएस बीडीएस सीट्स ऑफ बीएचयू, बता चुका हूं मैं, बीएचयू मैंने कवर नहीं किया है, बीएचयू की अभी सीट्स इसमें आ जाएंगी अलग से। मैं अभी बीएचयू बचा है, जामिया मिलिया बचा है, ये 2 कॉलेजेस बचे हुए हैं और एएफएमसी बचा हुआ है। तो ये 3 कॉलेजेस मैं अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ, घबराना नहीं है आपने। 100% एमबीबीएस सीट्स ऑफ ऑल एम्स अक्रॉस इंडिया अपन कवर कर चुके हैं पिछले, आई थिंक नंबर 3 या नंबर 4 वाले वीडियो में अपन कर चुके हैं ये कवर। एम्स और जिपमार पे स्पेशल वीडियो बनाया था, एक एक एम्स की एक एक सीट के बारे में मैंने आपको बताया था। चैनल है फिजिक्स पाठशाला, आई होप आपको याद रहेगा। ऑल इंडिया कोटा ऑफ जिपमार पुडुचली कराईकल, दोनों जिपमार का जो ऑल इंडिया कोटा है वो इसमें आता है, ध्यान रहे। ऑल इंडिया कोटा के अलावा इसमें इंटरनल सीट्स भी हैं जो स्टेट कोटे की मानी जाती हैं, 79 सीट्स का कुछ 70 सीट का लफड़ा है, मैंने अपनी लास्ट में बताया था आपको, देखते रहना। मतलब हर वीडियो, एक वीडियो दूसरा वीडियो, दूसरा वीडियो तीसरा वीडियो, पहला वीडियो चौथा वीडियो, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है भाई, ध्यान रहे। जामिया मिलिया इस्लामिया फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री में आती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपन कवर कर चुके हैं, डीयू के कॉलेज कवर कर चुके हैं, वीएमसीसी कवर कर चुके हैं, एबीवीआईएमएस के बारे में डाटा नहीं मिल पाया था मुझे, वो इस बार हो जाएगा। ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ ईएसआईसी, ये भी अभी बचा हुआ है कवर करना, तो अब बचे हुए अपने पास एएमयू, वो कवर करूंगा अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। ईएसआईसी, जामिया मिलिया इस्लामिया और बीएचयू, ये सेपरेटली चारों को मैं एक वीडियो में कवर करूंगा कल के वीडियो में। ये हो गया ऑल इंडिया कोटा ऑफ सीट्स। ऑल इंडिया कोटा ऑफ सीट्स की एलिजिबिलिटी क्या है भाई, एलिजिबिलिटी सबको पता है, नीट क्वालिफाई करना है, डोमिसाइल फ्री है, आपने घबराना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको घबराना नहीं है। बहुत से बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं सर कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगा, तो मैंने कट ऑफ भी जोड़ दिया इस वीडियो में। मैंने कहा चलो यार एक बार फिर से आपको कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है वो बता देता हूँ, अगर आपको इससे अच्छा लगता है, आपको इससे शांति मिलती है, रवि बने रहो आप मेरे साथ। बस ये मेरा वीडियो ख़त्म होने वाला है, मैं आपको ऑल इंडिया कोटे की पूरी सीट बता दूंगा, मेन मेन कॉलेजेस की कोटे वाइज आप देख लेना, उसके बाद क्यू एंड ए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चालू हो जाएगा अपना, तो अपन उसमें बात करेंगे किस किस को कहाँ कहाँ कौन कौन सी सीट मिल रही है, किस किस को कहाँ कहाँ कौन कौन सी सीट नहीं मिल रही है, अपन सबका हिसाब किताब कर लेंगे। क्या हो सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये आ गया है फिगर जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। जनरल कैटेगरी का जो नीट क्लियर करने का कट ऑफ है वो 134-135 के आसपास जा सकता है, कट ऑफ क्लियर करने से आप नीट क्लियर कर जाएंगे और एलिजिबल हो जाएंगे एक मेडिकल की सीट लेने के लिए। अगर सीट बची है तो आपको सीट ज़रूर मिलेगी। ओबीसी कैटेगरी में 107 तक जा सकता है। रवि लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को बेटा, आप शायद पहली बार आए हो तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ये बेसिकली कैसे कैलकुलेट किया गया है, ध्यान रहे बच्चा, ये सब जो परसेंटाइल लिखा हुआ है ये पहले से डिक्लेयर कर दिया एमसीसी ने एनटीएनए की, भाई इतने परसेंटाइल पे कट ऑफ होगा, तो इतना परसेंटाइल 134-135 नंबर के आसपास आना चाहिए, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है, इसलिए हम ये नंबर बोल रहे हैं।
एससी कैटेगरी हो या एसटी कैटेगरी हो या ओबीसी कैटेगरी हो, उसका कट ऑफ 107 के आसपास पहुंचना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी में जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, हैंडीकैप कैटेगरी बोल लो आप, डिसेबिलिटी कैटेगरी बोल लो आप, उसका थोड़ा 45% के आसपास, 45% के आसपास रहता है, तो 120 के आसपास जाना चाहिए। बाकी जो भी दिख रहा है वो 107, 107 मतलब 107 नंबर अगर आपके हैं और आप एससी ओबीसी या एसटी कैटेगरी में हैं तो आपको नीट क्वालिफिकेशन हो जाएगा आपका। थैंक यू रवि, आपने मेरी बात मानी। मैंने देखा यहाँ पे लाइक बढ़ गया है, सब्सक्रिप्शन बढ़ गया है। हेलो पीयूष, हाउ आर यू? सब बच्चे आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने थोड़ा टाइम चेंज किया है, बच्चों को चाहे टाइम पता नहीं होगा, कोई बात नहीं, कल से हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा। 107, 120 और 134 वो नंबर हैं जिस पे आप नीट क्लियर कर सकते हैं। अब आ जाती है बात मेन पॉइंट की, जिस पे मैंने ये पूरा वीडियो बनाया था, हम होंगे कामयाब ऑल इंडिया कोटे से। ऑल इंडिया कोटे से हमको अगर सीट लेके आनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बता दिया है, ये समझा दिया है कि आपका, आपको ऑल इंडिया कोटे से सीट लेनी है तो आपको डोमिसाइल फ्री है, 15% सीट्स हैं। अब अपन देख लेते हैं वो कॉलेजेस का कार्यक्रम जिनसे अपन को सीट्स मिल सकती हैं और क्या होगा उन कॉलेजेस का कट ऑफ। मैंने उसके लिए एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट कहाँ गई है? लिस्ट फिर से मुझे खोलनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है, नया सिस्टम है थोड़ा सा तो कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। मैं ये खोल लेता हूँ, ये मैंने अब खोल लिया है तो होपफुली अब वो आ जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट थी कि इसको इस लिस्ट को, अरे कहाँ गया भाई, एक मिनट का समय दो, जरा ये कुछ लफड़ा हो गया है इसमें। हाँ तो ये लिस्ट आ गई है मेरे पास और अब ये आ रही है आपके पास, ये आ गई है लिस्ट। आई होप आपको ये लिस्ट दिख रही होगी, बड़े मेहनत से और जतन करके मैंने लिस्ट निकाली है और मैं इसमें आपको दिखा सकता हूँ कि ऑल इंडिया कोटे में कौन से कॉलेज की क्या क्लोजिंग रैंक है। कैटेगरी वाइज ओबीसी का नहीं मिल पाया डाटा मुझे अभी, तो जो मिला है मैं वही आपको बता रहा हूँ। अगर बात बात करें, अरे इसकी बात, ACIR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि और बड़ा किया जा सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, मैं तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ ये अब इतना सही लग रहा है मुझे कि आपको ये दिखाई देगा। तो नेल्लोर का कॉलेज 7500 के आसपास की ऑल इंडिया कोटे से रैंक जाती है। क्लोजिंग रैंक एससी रैंक 41000 के आसपास है, एसटी रैंक 49000 के आसपास है। इसमें सब कॉलेजेस मैंने कवर किए, मैं मेन मेन कॉलेजेस जो हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। आंध्रा मेडिकल कॉलेज, काफ़ी बच्चों ने मुझे पूछा था इसके बारे में, आंध्रा मेडिकल कॉलेज में कितनी होगी सर ऑल इंडिया कट ऑफ की रैंक, तो ये देख लीजिए 2055 के आसपास गई थी पिछले साल। ये मैंने मीन और, ये पिछले साल नहीं बोलना चाहिए, मीन और एवरेज निकाल के मैंने 3 साल के डेटा से ये निकाला है। 16000 के आसपास आप रैंक मान लीजिए एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में, 40000 के आसपास रैंक जाना चाहिए। इसके बाद जो अगला कॉलेज मैं बताना चाहूँगा आपको वो है असम मेडिकल कॉलेज, काफ़ी डिमांड रहती है इस कॉलेज की ऑल इंडिया कोटे में। 7500 के आसपास आपको ये कॉलेज मिल सकता है एससी कैटेगरी में, 43000 के आसपास पे, और एसटी कैटेगरी में 64000 के आसपास पे। बीजे मेडिकल कॉलेज बहुत हॉट प्रॉपर्टी रहता है हर बार काउंसलिंग में, जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी ऊपर इसकी कट ऑफ जाती है, बहुत पॉपुलर कॉलेज है, अहमदाबाद का कॉलेज है। 15000 के आसपास एससी रैंक में आपको मिल सकता है,
22,000 के आसपास आपको 23,000 के आसपास एसटी कैटेगरी की रैंक में मिल सकता है। और भी कॉलेजेस हैं, जैसे बैंगलोर मेडिकल कॉलेज है, ये कॉलेज भी काफ़ी हॉट प्रॉपर्टी है, 655 अंदर 700 के आसपास सीट्स ऑल इंडिया कोटे में, ध्यान रखिए 15% ही हैं। जो अच्छा कॉलेज है उसकी जो कट ऑफ है बहुत हाई जाती है, एससी कैटेगरी में 9,000 के आसपास है और एसटी कैटेगरी में 10,000 के आसपास है। ये एक मेरा फेवरेट कॉलेज आया है, बेलगाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, 5,000 के आसपास रैंक पे ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी में 45,000 के आसपास ये कॉलेज मार्क कर लो आप, स्टार लगा के मार्क कर दिया मैंने आपके लिए। ये कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है और ये आपको अच्छी खासी रैंक पे मिल रहा है। बीदर का कॉलेज भी एक स्टार मार्क वाला कॉलेज है, ये भी आप ले सकते हो। आप देख रहे हो उसकी क्लोजिंग रैंक 6,900 के आसपास जा रही है जनरल कैटेगरी में। 6,900 की बात करूं अगर मैं, तो आपके जो 6,900 नंबर आएंगे, हाँ 6,900 जो रैंक आएगी, नंबर बोल रहा हूँ, वो 550 से 500 6,900 नहीं, उल्टा दिख रहा हूँ, 620 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो ये आपको ऑल इंडिया कोटे से कॉलेज मिल जाएगा। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के बारे में कोई पूछ रहा था, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ये भी 6,000 के आसपास की ऑल इंडिया कोटे रैंक पे चला जाता है। ध्यान रहे ये सब ऑल इंडिया कोटे की बात अपन कर रहे हैं। बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ऑल इंडिया कोटे से क्या क्या मिल सकता है, ऑल इंडिया कोटे से क्या क्या मिल सकता है, तो ये है ऑल इंडिया कोटे से कॉलेज का डिस्क्रिप्शन। एक और कॉलेज के बारे में बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट, स्टार लगा दिया है मैंने छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट, 6,000 के आसपास की रैंक, वही 600 नंबर के आसपास में आपको मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी की बात यहाँ कर रहा हूँ, एसटी कैटेगरी में ये 56,000 के आसपास की रैंक पे चला जाता है। राम मनोहर लोहिया बहुत हॉट प्रॉपर्टी रहता है हमेशा, उसको भी स्टार कर रहा हूँ मैं। राम मनोहर लोहिया जो है, ध्यान रहे ऑल इंडिया कोटे की बात हो रही है, 3,000 रैंक के आसपास ऑल इंडिया कोटे में आपको मिल जाएगा। 3,000 रैंक का मतलब है आपके नंबर 650 के आसपास होने चाहिए, 650 645 के आसपास आपके नंबर होंगे, तो राम मनोहर लोहिया जो है वो आपको ऑल इंडिया कोटे से मिल सकता है। यही कॉलेज एसटी में आपको 45,000 की रैंक के आसपास मिलेगा, एसटी में आपको 27,000 की रैंक के आसपास मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ पानी पीने के लिए, तब तक आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत मुश्किल से ही मैंने पूरा डाटा निकाला है आपके लिए, डेटा बहुत सारा है और भी है, धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा। एक ही वीडियो में इतना सारा चीजें बताना फिजिकली पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेकर आया हूँ। 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ पानी के लिए, जब तक आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फोर सेवेंटी एट मांगाराम पूछ रहा है, 478 पे क्या मिल सकता है बेटा? 478 नंबर पे आपको जो रैंक आएगी वो 1 लाख 1.25 लाख के आसपास जाएगी। 1.25 लाख वाला अगर कॉलेज मिल जाता है तो आपको मिल जाएगा बेटा, देखते हैं अपन। मुझे तो लगता है कि 1.25 लाख में ऑल इंडिया कोटे से कुछ मिलेगा बेटा, देखते हैं। यहाँ पे एक और कॉलेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, आर एन कूपर जनरल हॉस्पिटल, काफी बच्चे मुझे इसके बारे में पूछ चुके हैं बेटा। थोड़ी हाई कट ऑफ रैंक है इसकी, 2100 के आसपास, एससी में 17,000 के आसपास है और एसटी में ये करीब 37,000 के आसपास जाती है। एक और कॉलेज जो लोगों को बहुत पसंद आता है वो है डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज, लेकिन इसकी कट ऑफ रैंक थोड़ी हाई है, 2,000 के आसपास जनरल में है, 16,000 के आसपास ये एससी कैटेगरी रैंक में मिल जाता है और 31,000 के आसपास ये एसटी कैटेगरी में। ईएसआईसी ये बहुत हार्ड प्रॉपर्टी रहता है, 3,500 रैंक के आसपास इसका क्लोजिंग रैंक है जनरल कैटेगरी में, ध्यान रहे बच्चा 27,000 के आसपास ही मिल जाएगा आपको एससी कैटेगरी में और 54,000 के आसपास ये मिल जाएगा आपको एसटी कैटेगरी में। बैंगलोर वाला ईएसआई, ये सब ईएसआई का जो मैं बोला था ईएसआई कवर करूंगा, ये सब ईएसआई पे आप स्टार मार्क लगा सकते हैं, ये स्टार गड़बड़ हो गया है, सब ईएसआई। बेंगलोर वाला ईएसआई 4180 के आसपास,
चेन्नई वाला ईएसआई 5,500 रैंक के आसपास, कर्नाटका वाला ईएसआई ये बहुत बड़ा स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर, 6,800 रैंक पे आपको ईएसआई मिल जाएगा। हैदराबाद वाला ईएसआई जी भी बहुत अच्छा कॉलेज है, 5,500 रैंक के आसपास आपको मिल सकता है। कोलकाता वाला, कल मुझसे बहुत लोगों ने पूछा ये सर PGIMSR जोपा कोलकाता इतनी ऑल इंडिया रैंक पे ऑल इंडिया कोटे से मिल सकता है, तो जवाब है यहाँ पर 6,000 रैंक पे मिलेगा भाई जोका, 6,000 रैंक पे जोका मिल सकता है आपको। एससी कैटेगरी में बैंगलोर वाला कॉलेज 28,000 रैंक पर है, चेन्नई वाला ईएसआई 45,000-46,000 रैंक पर है, कर्नाटका वाला पिच 45,000-46,000 के आसपास है, हैदराबाद वाला 35,000 के आसपास है, और जोका वाला 44,000 रैंक पे आपको ईएसआईसी मिल सकता है। बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं ये, बहुत ज़्यादा ऊपर कट ऑफ भी नहीं है, 4,000-5,000 रैंक के आसपास में ये कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं। 4,000-5,000 रैंक का मतलब है 620-630 की रेंज वाले जो भी मार्क्स आपके अगर आए हैं तो आपको ये कॉलेज मिल जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एसटी कैटेगरी में मैं नहीं बताया था, 67,000 समझ लो इसकी क्लोजिंग रैंक है ईएसआईसी की, क्योंकि इससे नीचे पे कोई भी ईएसआईसी नहीं मिल रहा है, तो 67,000 अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं तो ये है क्लोजिंग रैंक, एक तरीके से आपके लिए क्लोजिंग रैंक है ईएसआईसी के लिए, इससे नीचे क्योंकि कुछ भी अवेलेबल नहीं है। एक और कॉलेज के बारे में ये बताना चाहूँगा, फखरुद्दीन अली मेडिकल कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है, काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है इस कॉलेज की। इस कॉलेज के लिए 9,000, जहाँ पे 8,000 लिखा हुआ है, 9,000 तक की रैंक पे आपको जनरल में मिल सकता है। एससी कैटेगरी में आपको ये 49,000 के आसपास मिल सकता है, ये थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, मैं नीचे कर लेता हूँ, 49,000 के आसपास आपको ये मिल सकता है, और एससी कैटेगरी में ये 70,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। ग्वालियर का बहुत से बच्चे पूछ रहे थे मुझसे कि सर एमपी के जो कॉलेजेस हैं वो ऑल इंडिया कोटे में मिलेंगे क्या, ऑल इंडिया कोटे में मिलेंगे तो कितनी रैंक पे मिलेंगे, तो भाई देख लो ये 4,500 रैंक पे आपको ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, एससी कैटेगरी में ये 42,000 के आसपास है। एक और कॉलेज मेरे शहर का कॉलेज जिसके बारे में बताना चाहूँगा, गांधी मेडिकल कॉलेज, काफ़ी अच्छी रैंकिंग है इसकी कॉलेज की, अच्छा कॉलेज है, 3,000 के अंदर अगर आपकी रैंक है तो आप इस कॉलेज को ऑल इंडिया कोटे से उठा लीजिए। 25,000 के आसपास एससी कैटेगरी में अगर रैंक है तो आप इस कॉलेज को उठा सकते हैं। 39,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है एसटी कोटे में तो गांधी मेडिकल कॉलेज आपका हुआ। एक और कॉलेज के बारे में, दतिया एमपी का कॉलेज है, मैं उन कॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ जिनका कट ऑफ थोड़ा नीचे है, कट ऑफ रैंक थोड़ी पीछे है और अच्छे कॉलेज हैं। दतिया का कॉलेज बहुत अच्छा है, एक चॉइस बन सकता है आपके लिए, 6,000 के आसपास की ऑल इंडिया रैंक पे आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ये कॉलेज मिल जाएगा, 40,000 के आसपास आपको एससी कैटेगरी की रैंक में ये कॉलेज मिल जाएगा, 55,000 रैंक के आसपास आपको ये कॉलेज एसटी कैटेगरी की अगर रैंक है तो मिल जाएगा। वेल, हमारा ये चलता रहेगा। राम बाबू नरोडी पूछ रहे हैं 585 महाराष्ट्र पे क्या मिलेगा, आपको सब बताऊंगा, मैं स्टेट वाइज ही बताऊंगा, अभी ऑल इंडिया कोटे की बात यहाँ पे हो रही है। प्लीज़ अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक पानी थोड़ा पी लेता हूँ, 2-1 मिनट के लिए। अरे राम ना को चला गया। हाँ, आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। दून मेडिकल कॉलेज के बारे में बहुत सी इंक्वायरी आई थी कल के लेक्चर में, तो दून मेडिकल कॉलेज यहाँ रहा, इसके बारे में भी आपको बता दूँ, बहुत अच्छा कॉलेज है लेकिन इसकी कट ऑफ थोड़ी ऊपर है, सीट्स कम है, AIQ में से 15% सीट होती हैं, इस कॉलेज में वैसे भी सीट्स कम है इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा हाई है, लेकिन देखिए आप एसटी कैटेगरी में ये
58,000 के आसपास जा रहा है। एक चीज जो नोट करने वाली ये है कि जो एमपी के कॉलेजेस हैं, ये भी एमपी का छत्तीसगढ़ का कॉलेज है, एमपी और छत्तीसगढ़ के जो कॉलेजेस हैं उसमें देखा जा रहा है कि ये जो ऑल इंडिया कट ऑफ रैंक्स हैं वो थोड़ी नीचे लेवल पे हैं। देखिए इसकी भी 66,000 के आसपास, 66,000 एसटी कैटेगरी में रैंक बता रहा है। 66,000 का मतलब आप ये पकड़ लीजिए कि 510 के आसपास नंबर पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है। और क्या अच्छी बात सुना दूं मैं आपको, 510 नंबर पे मैंने आपको, अगर आप एसटी कैटेगरी में है तो मैंने एक कॉलेज बता दिया है कि देखो ये आपको मिल रहा है। एक नहीं बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे, यही मेरा 510 नंबर एससी कैटेगरी, एम्स नहीं मिलेगा मंजरी आपको, एम्स नहीं मिलेगा, बहुत ऊपर है एम्स का वो। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते चलते हैं। गोंडिया का एक कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसको भी आप स्टार मार्क करके रख लीजिए। 7,000 रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल रहा है जनरल कैटेगरी में, 40,000 के आसपास। और यहाँ पे 52,000 के आसपास बैंगलोर है, ओडिशा का बालंगीर का कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, 8,000 के आसपास रैंक में आपको मिल रहा है, 44,000 की एससी रैंक पे मिल रहा है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ये 70,000 के आसपास आपको ये एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक का कॉलेज मिल रहा है। भाई बड़ा सा स्टार लगा लो इसके ऊपर आप, ये आपको 500 नंबर पे मिल रहा है, ये समझ लो 500 नंबर का एक कॉलेज मैंने आपको साफ साफ बता दिया, एसटी कैटेगरी की बात हुई है। लेकिन यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एक कॉलेज ये है फिर से बालासोर का मेडिकल कॉलेज, बालासोर का मेडिकल कॉलेज 8,000 की रैंक पे आपको, 8,000 की रैंक पे आपको मिल रहा है जनरल कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में 38,000 की रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, 38,000 की रैंक, 38,000 की रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। 38,000 की रैंक का मतलब है समवेयर अराउंड 550-540 के आसपास ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है? अगर ये यार मैं, हाँ ठीक है, अगर आप सही से आप काउंसलिंग करें तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके नाम आपको शायद पता नहीं हो लेकिन वो आपको काउंसलिंग के थ्रू मिल सकते हैं। आप नहीं कर सकते काउंसलिंग, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको काउंसलिंग के बारे में सब जानकारी देने वाला हूँ, ये मैंने अपने आप से वादा कर लिया है, मेरा वादा ये वचन और मेरा वचन ही है शासन। खैर ये सब बातें तो चलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक और सब्सक्राइब कर देने से मुझे लगेगा कि भाई जो मैंने एफर्ट लिया है वो कहीं ना कहीं आपके, आपको पसंद आया है और आपने उसको अप्रिशिएट किया है। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, इस बार मैंने सही बोला है शायद, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन, मैं थोड़ा बीच में वो स्क्रॉल डालने बैठ गया था तो मैंने चलते हुए उसमें स्क्रॉल डाल दिया है, आई होप वो स्क्रॉल आ जाएगा। अकेला आदमी हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ पर मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हर्षिल ओएमआर नहीं आया, बेटा आएगा। सी इतने सारे बच्चे, 15 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है बेटा, थोड़ा समय लगेगा, आपने घबराना नहीं है, मैंने आपको अपडेट दिया, मिलेगा, आएगा, घबराना नहीं है, आप करवाने का काम नहीं है अपना। ये कॉलेज और आप मार्क करके रख लीजिए मेरी तरफ से, ये मैं बताऊंगा आपको, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ चंद्रपुर, 7,000 रैंक के आसपास में आपको जनरल पे ये कॉलेज मिल रहा है, 63,000 की रैंक पे आपको ये कॉलेज एसटी कैटेगरी में मिल रहा है, अच्छा कॉलेज है, इसको आप बिल्कुल रख लीजिए। अब मेरा एक पर्सनल फेवरेट कॉलेज है, हालांकि उसकी जो कट ऑफ रैंक है थोड़ी ऊपर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ नागपुर, ये मेरा एक फेवरेट कॉलेज में से एक है, थोड़ी कट ऑफ रैंक उसमें ऊपर है लेकिन ये बहुत अच्छा कॉलेज है, नागपुर बहुत अच्छी जगह है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, संतरे फेमस हैं, कॉलेज बहुत अच्छा, कॉलेज सही में बहुत अच्छा है, आप इस चीज़ को यकीन मानिए अगर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ये मेरा वीडियो इतना ख़राब क्यों आ रहा है यहाँ,
आई होप आपको अच्छा वीडियो दिख रहा होगा। जो मेरे इस पे आ रहा है वो शायद सेटिंग गड़बड़ है कुछ, जाने देते हैं। नागपुर वाला जो मेडिकल कॉलेज है वो आपको SC रैंक पे 50,000 के आसपास मिल सकता है। ये कॉलेज 4 मार्क करके रख लीजिए। और दूसरा मेरा फेवरेट स्टेट महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में मैं रहा हूँ। जेईई में फर्स्ट रैंक, मैंने जेईई मेन पे फर्स्ट रैंक दी है। मैंने महाराष्ट्र से ही दी है, पुणे में मैं पढ़ाता था, पुणे से दी है, इसलिए महाराष्ट्र मेरा फेवरेट स्टेट है, फेवरेट स्टेट है। फेवरेट स्टेट से मैंने आपको 2 कॉलेजेस निकाल के दिए हैं। 5,500 की रैंक पे आपको औरंगाबाद का मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। 56,000 के आसपास SC रैंक पे मिल जाएगा, ST रैंक पे मिल जाएगा। और 28,000 के आसपास आपको ये SC कोटे में मिल जाएगा। एक और कॉलेज इसमें मैं जोड़ दूंगा, साउथ के 2 कॉलेज जोड़ूंगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ तिरुवनवेली और गवर्नमेंट मोहन कुमार मंगलम। ये कॉलेज काफी अच्छे कॉलेजेस हैं। और अगर आप लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर हो सकता है नॉर्थ वाले बच्चों के लिए, पर साउथ वाले बच्चों के लिए ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो जा सकते हैं, नॉर्थ वाले बच्चे भी जा सकते हैं, सारा देश एक है हमारा। और जब नॉर्थ वाले साउथ में जाते हैं बहुत प्यार मिलता है उनको, साउथ वाले जब नॉर्थ में आते हैं तो भी बहुत प्यार मिलता है, देश ही हमारा ऐसा है। आप देख सकते हैं, एज यू कैन सी द कट ऑफ रैंक्स आर वेरी ऑन द लोअर साइड, 62,000-61,000 के आसपास है। साउथ की मेडिकल कॉलेज की थोड़ी कट ऑफ रैंक नीचे रहती है। यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट। ये देखो तीसरा मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पे दिख रहा है उसकी भी, इफ यू सी द कट ऑफ रैंक, पुदुकोट्टई का जो मेडिकल कॉलेज है उसकी भी कट ऑफ रैंक ऑन द लोअर साइड है। तो ये वो कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। बच्चा ध्यान रहे ये बात, यू मस्ट रिमेंबर दिस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन नाउ। अभी आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है काउंसलिंग वाला पार्ट। इस काउंसलिंग वाले पार्ट में अगर आपने ढंग से ये 70 मिनट, ये 10-15-12 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, हर दिन मैं आपके साथ बना रहूंगा, एक एक बच्चे को मैं दिलाऊंगा उसका मनपसंद कॉलेज, सरकारी कॉलेज, ये मेरा वादा है। आपका वादा बस इतना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दो। बहुत ही कम लाइक हुए हैं आज तो, मैंने टाइम चेंज कर दिया तो बच्चे शायद 9 बजे का वेट कर रहे होंगे, मैं 4 बजे आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपने बच्चों पे भरोसा है कि जब भी वो मेरा वीडियो देखेंगे वो लाइक करेंगे, नए बच्चे उसको सब्सक्राइब करेंगे। तो आप कर दो ना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ते हैं। अगला मेडिकल कॉलेज जो मुझे समझ में आता है वो है मेरे कोटा का। मेरे कोटा इसलिए बोला हूँ, कोटा में, कोटा के साथ अंदरूनी नाता रहा है, पढ़ाया है यहाँ पे, कंसल क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो कोटा से एक दिल का नाता है। थोड़ा हाई कट ऑफ है इस कॉलेज का, लेकिन ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो कोटा में जाके पढ़े, राजस्थान में जाके पढ़े, कोटा शहर में ही पढ़े, तो वो इस कॉलेज को अच्छे से जानते होंगे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं कोटा में, तो उनके लिए कॉलेज बहुत अच्छा है। तो इस कॉलेज को मैं सजेस्ट करूंगा आपके लिए। एक और कॉलेज जो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसकी कट ऑफ रैंक नीचे है, सरकारी कॉलेज है, तिरुवल्लुवर का गवर्नमेंट कॉलेज। 69,000 की रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है जो आपको अच्छी रैंक पे मिल सकता है। नागपुर का इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज भी आप एक ऑप्शन में रख सकते हो। हालांकि इसकी जनरल की, नागपुर के कॉलेजेस की रैंक AIQ ऑल इंडिया कोटे वाली रैंक थोड़ी हायर साइड में है, लेकिन कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। पटना, मेरा पटना का भी इंदिरा गांधी, 3 इंदिरा गांधी हैं यहाँ पे, देख रही हैं आप, तो ये 3 इंदिरा गांधी में से शिमला वाला पे तो कोटा बहुत कम है, तो शिमला वाला तो आप छोड़ दीजिए, शिमला वाला तो बहुत ज़्यादा हाई ऊपर जा रहा है। लेकिन ये जो पटना और नागपुर वाला जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या इंदिरा गांधी कॉलेज है, ये अपनी रेंज में आ रहा है, 4,000-4,500 की रेंज में, अनरिजर्व कैटेगरी में मिल रहा है। पुडुचेरी का भी आप ये देख सकते हो, इंदिरा गांधी कॉलेज अगर आप देखना चाहें तो 5,000-5,500 की रैंक में, यहाँ पे 54,000 के आसपास SC कैटेगरी में, ये 47,000 के आसपास आपको मिल रहा है। बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं ये आपके लिए। एक नागपुर मतलब सेंटर ऑफ इंडिया हो गया, एक पटना हो गया, जो जो बच्चे थोड़ा ईस्टर्न साइड में हो, थोड़ा नॉर्थन साइड में हो, तो शिमला हो गया, और तो थोड़ा पीछे की तरफ है पुडुचेरी हो गया, मतलब पूरा इंडिया कवर हो गया भैया। जो जो जिसके जब से सबसे पास पड़े
वो वहां से इस कॉलेज को उठा ले। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, ये कौन सा वाला जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो मैं ये मैं डाटा बाद में इंक्लूड कर दूंगा। दो तीन जगह है तो अब इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कहाँ का ये कॉलेज है। हाँ, ये वाला कॉलेज जवाहरलाल नेहरू IMS इम्फाल का कॉलेज, इसको भी आप मार्क कर लीजिए बड़े से स्टार के साथ, बड़े से स्टार के साथ इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपको जनरल कैटेगरी में इस तरह के कॉलेज छूट जाते हैं बेटा, इस तरह के कॉलेज छूट जाते हैं। इन्हीं कॉलेज में आपको सीट दिलवाने के लिए कुछ लोग आपके मम्मी पापा से बहुत सारे पैसे काउंसलिंग के नाम पर ले लेते हैं, उनका धंधा है शायद। ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, और अब मैंने अपने आप से एक वादा कर लिया है कि मैं बच्चों को काउंसल भी करूँगा, कि मैंने देखा कि सिर्फ रैंक दिला देने से बच्चों का काम खत्म नहीं हो जाता है, पूरी जिम्मेदारी लेना चाहिए बच्चों को। जब से वो आपके इंस्टीट्यूट में आए, जब से वो आपसे पढ़ना चालू करें, तब से लेके जब तक उनको कॉलेज ना मिल जाए, ये मेरा वादा है, मेरा वादा ये, मेरा वचन, और मेरा वचन ही है मेरा शासन, मैं वो करने वाला हूँ। बहुत अच्छा कॉलेज है JLN इम्फाल का, 70,000 के आसपास तक आपको नीचे मिल जाएगा। ये ST कैटेगरी में, 70,000 का मतलब है 500 के आसपास की रैंक पे आपको ST कैटेगरी में ये कॉलेज मिल रहा है। सोचिए, ये कॉलेज आपको मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं और अच्छे कॉलेजेस कहाँ पर हैं। एक कॉलेज यहाँ पे मैं जो मार्क करना चाहूंगा वो है कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये अच्छा कॉलेज है। कट ऑफ थोड़ा हायर साइड है, यहाँ पे 5,000 के आसपास रैंक पे आपको मिल रहा है, यहाँ पे 40,000 के रैंक पे आसपास मिल रहा है। पर क्या करें, क्या करें, थोड़ा महंगा है कॉलेज। KGMC या KGMU के बारे में बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं, लखनऊ कॉलेज, भाई अब उसके बारे में क्या बोलूँ, 488 रैंक, 5,500, इंडिया का टॉप कॉलेजेस में से एक है, 8-9 नंबर पे रहता है ये कॉलेज, तो इसके बारे में तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कट ऑफ बहुत हाई है इसका, जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें मैं कुछ और बोलूंगा नहीं। कल बहुत सी बच्चियां मुझसे पूछ रही थी, सर रेडी हार्डिंग कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, 550 में मिल जाएगा क्या, 650 में मिल जाएगा? देख लो भैया, ऑल इंडिया कोटे की बात हो रही है, रेडी हार्डिंगल के AIQ की बात हो रही है, 194 पे खत्म हो जाता है। टॉप 200 रैंक चाहिए, मतलब आपको टॉप 200 रैंक का मतलब, आई होप आप, चमक क्यों जाता है, चमक क्यों जाता है, टॉप 200 का मतलब है आपको 670 के आसपास नंबर चाहिए पड़ेंगे इसमें आने के लिए। ऑल इंडिया कोटे में सीट्स कम है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। खैर, मेरे को आपको बताना था तो मैंने बता दिया। एक कॉलेज जो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, वो मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ गया है यार, मदुरई का, नहीं, मदुरई मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज भी आप एक कॉलेज है जो मार्क कर लीजिए। मद्रास मेडिकल कॉलेज अच्छा कॉलेज है, लेकिन इसकी कट ऑफ रैंक, ये बहुत हाई डिमांड में रहता है कॉलेज, इसलिए ये मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मदुरई मेडिकल कॉलेज जो है अच्छा कॉलेज है, कट ऑफ रैंक थोड़ी नीचे हैं, तो ये बच्चे एम कर सकते हैं। SC के बच्चों के लिए ये 51,000 52,000 पे मिल जाएगा आपको। नॉर्मल बच्चों के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए ये 3,000 के आसपास में मिल जाता है। मालदा का मेडिकल कॉलेज, इसको भी आप 4 मार्क करके रख लीजिए, 8,000 के रैंक में आपको मालदा का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, 45,000 रैंक पे यहाँ तक मिल रहा है, और 66,000 रैंक पे आपको ST कैटेगरी में मिल रहा है। अच्छा कॉलेज है, और देख रहे हैं आप कट ऑफ रैंक काफी नीचे है एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, तो इसको आप अच्छे से मार्क कर लीजिए, ये कॉलेज को आप इजीली टारगेट कर सकते हो। 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पे पानी पीने के लिए। ठीक है, तो भाई ये जो आज का वीडियो है, M तक पहुंच गए अपन, Z तक पहुंचेंगे, Z तक पहुंचेंगे, और ये वीडियो खत्म हो जाएगा। अगर आपको मेरा एफर्ट, जो मेरा वीडियो है बनाने में, उसमें जो मैंने लाने की कोशिश की, अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज करके
वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही ये क्वेश्चन ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा फिर मैं आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको मैं करूंगा। तनुजा बोल रही है कि सर मेरी ओएमआर नहीं आई। कोई बात नहीं तनुजा, आएगी आएगी, सबकी ओएमआर आएगी। कहाँ जाएगी बेटा आपकी ओएमआर, एग्ज़ाम दिया है ना, एग्ज़ाम दिया है तो ओएमआर ज़रूर आएगी। ओएमआर कहीं नहीं जाएगी, ओएमआर ज़रूर आएगी, ये मेरा वादा है, मेरा वादा ही है, मेरा वचन हो, मेरा वचन ये मेरा शासन। क्योंकि कल मुझसे जब रात में मैंने करीब 1 बजे वीडियो बना के डाला, जब कुछ बच्चों ने लाइव उसमें बोला कि सर ओएमआर आ गई है, फिर मैंने अपने बच्चों से कंफर्म किया, कुछ बच्चों ने मुझे कंफर्म करा कि हाँ सर ओएमआर आ गई है हमारे पास, मेरे खुद के बच्चे हैं, फिर रात के 1 बजे मैंने वीडियो बनाया कि बच्चा ओएमआर आ रही है। कुछ बच्चों ने बोला नहीं सर फेक न्यूज़ है, नहीं सर नहीं आ रही है। मैंने कहा बेटा मेरे बच्चों ने मुझे बोला है और मेरे बच्चे मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैं उनसे कभी झूठ नहीं बोला, मैं सच्चा हूँ, सच्चे मन से करता हूँ, जो आता है वो बताता हूँ, जो नहीं आता है उससे हाथ जोड़ लेता हूँ कि नहीं पता, लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि मैं नहीं कर पाऊँगा। और ये चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ। हर सवाल का जवाब शायद मैं ना दे पाऊँ आपका, पर ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका सवाल मैं ढूंढ ना पाऊँ। आप मुझे थोड़ा मौका दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। मौलाना आज़ाद, अब इसके बारे में क्या बात करूं, ये तो खैर इंडिया का टॉप कॉलेज है, तो फिर इसको तो अपन छोड़ देते हैं, इसके इसके क्या कहते हैं इसके ऊपर, और आगे बढ़ जाते हैं। मिदनापुर का मेडिकल कॉलेज, ये आप मार्क कर लीजिए अच्छे से, 7,500-8,000 की रैंक पे आपको कॉलेज मिल रहा है। अगर आपको आपके स्टेट के कोटे से नहीं मिलता है कॉलेज, आपके स्टेट में ज़्यादा सीटें नहीं है, तो ये कॉलेज है जो आप 67,000 रैंक तक एसटी कैटेगरी में उठा सकते हो। प्लीज़ मार्क दिस कॉलेज, मुर्शिदाबाद एक और गवर्नमेंट कॉलेज, 8,000 रैंक तक आपको मिल रहा है, 46,000-47,000 रैंक तक ये आपको एससी कैटेगरी में मिल जाएगा, 69,000 रैंक पे आपको ये एसटी कैटेगरी में मिल जाएगा। बहुत अच्छा कॉलेज है, कट ऑफ रैंक नीचे है, मैं उन कॉलेजेस पे फोकस कर रहा हूँ जिनमें कट ऑफ रैंक नीचे हैं और जो आपको इजीली मिल सकते हैं। पटना का मेडिकल कॉलेज को करना ही पड़ेगा मुझे कवर, बहुत सारे बच्चे बिहार के होते हैं जो शायद बिहार में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनकी फेवरेट चॉइस रहती है पटना का मेडिकल कॉलेज, अपने होम स्टेट में मिल जाए, हो सकता है उनके पास होम स्टेट का डोमिसाइल ना हो। तो बेटा पटना के लिए आपको 2400 के आसपास की रैंक निकालनी पड़ेगी जनरल कैटेगरी में, 25,000 के आसपास की रैंक चाहिए आपको एससी कैटेगरी में, और 27,000 के आसपास की रैंक चाहिए आपको एसटी कैटेगरी में। अगला कॉलेज जो मैं वो करना चाहता हूँ वो है ये पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज, 8,000 के आसपास की रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। बहुत लंबी लिस्ट है बेटा, मैं पूरी लिस्ट ख़त्म करूंगा आज, चिंता नहीं कर, इसलिए वीडियो थोड़ा आगे बढ़ गया है, पर मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। और 42,000 रैंक पे आपको एससी में ये कॉलेज मिल जाएगा, 65,000 के आसपास की रैंक पे आपको ये कॉलेज एसटी कैटेगरी में मिल जाएगा। बहुत से बच्चे मुझसे ऑल इंडिया कोटे के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने दिन रात कल की रात एक करके ये डाटा निकाला है और ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोल्हापुर, ध्यान रखिए महाराष्ट्र के और साउथ के जो कॉलेजेस हैं, जो जनरल ट्रेंड है यहाँ पे, तो महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं और जो साउथ के कॉलेजेस हैं और कुछ एमपी के कॉलेजेस, उनमें कट ऑफ थोड़ा नीचे है, वो आप टारगेट कर सकते हो अगर आपके नंबर थोड़े कम हैं और आपको ऑल इंडिया कोटे से सीट निकालनी है। नहीं तो जो नॉर्थ ईस्ट वाले थोड़े कॉलेजेस हैं उनको आप कट ऑफ उनको आप टारगेट कर सकते हो। ये मेरा गुरु मंत्र है आज का जो मैंने आपको दे दिया। 61,000 के आसपास रैंक पे आपको कोल्हापुर का मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। RUHS के बारे में बहुत लोगों ने मुझसे कल भी पूछा था कि सर कितने पे मिलेगा स्टेट कोटे में, कितने पे मिलेगा ऑल इंडिया कोटे में, तो यह आ गई है खबर, 1900 के आसपास स्टेट कोटे में आपको RUHS मिल जाएगा, 16,000, बहुत हाईली रेटेड ये कॉलेज है, बहुत डिमांड में रहता है, 25,000 की रैंक के आसपास आपको ये कॉलेज मिलेगा एसटी कोटे में अगर सीट है आपकी। तो वेल
आर तक आ गए STUV, 6-7 10-15 मिनट में, और ये अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपके लाइव क्वेश्चंस लूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको किस जगह पे क्या मिल सकता है। अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखता हूँ मैं सब्सक्राइब कितने लोगों ने किया। अगर आपने लाइक को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप मुझे एक हार्ट शेप का आइकन बना के दे दो, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई आपने कर दिया है। 595 पे शैलू पूछ रही है कि मुझे एम्स मिलेगा क्या। बस बेटा ये ख़त्म हो जाने दे, फिर मैं सब बता रहा हूँ। ये थोड़ा वीडियो ख़त्म हो जाने दे मेरा, उसके बाद की जो पूरी कहानी है उसके बाद की जो पूरी कहानी है वो मैं उसी पे करने वाला हूँ। घबराना नहीं है आपको, ठीक है। अगला कॉलेज जो मैं आपको बताऊंगा वो है शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज। शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज 8,000 के आसपास रैंक पे मिल जाएगा आपको। SC कैटेगरी में करीब 67,000 के आसपास की रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। सिलचर, मैंने आपको क्या बोला था, नॉर्थ ईस्ट के कॉलेज देखिए, महाराष्ट्र के कॉलेज देखिए और MP के कॉलेज देखिए जो थोड़े से लोअर कट ऑफ पे आपको मिल सकते हैं। सिलचर का मेडिकल कॉलेज देख लीजिए आप, 70,000 की SC रैंक ST रैंक पे आपको मिल रहा है, 49,000 की SC रैंक पे मिल रहा है और 8,000 के आसपास की जनरल रैंक पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है। ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट कॉलेज की ये बात अपन कर रहे हैं। टारगेट क्या करना है आपको, मैंने बता दिया आपको टारगेट कहाँ के कॉलेजेस करने हैं, महाराष्ट्र, MP के कॉलेजेस प्लस साउथ के कुछ कॉलेजेस प्लस जो नॉर्थ ईस्ट है अपना वहां के कॉलेजेस। इन कॉलेजेस का कट ऑफ थोड़ा लोअर साइड पर है, ये सामने अपन को बिल्कुल दिख रहा है। मैं कोई भी चीज हवा में नहीं करता, जब सामने होती है फैक्ट फिगर्स नंबर्स, ये आस्तिक सर की खासियत है, मेरी खासियत है, फैक्ट फिगर्स और नंबर्स जब मेरे पास होते हैं तभी मैं लेकर आता हूँ कोई वीडियो, और उन्हीं फैक्ट फिगर्स और नंबर पे मैं आपको कॉलेज बता रहा हूँ। ये को यहाँ पे दो कॉलेज और देख लो, स्वामी रामानंद तीर्थ रूरल कॉलेज 7,300 की जनरल रैंक पे मिल रहा है, 65,000 की आपको ST रैंक पे मिल रहा है। ये देखो तेजपुर, फिर से वो नॉर्थ ईस्ट वाला कॉलेज आ गया, तेजपुर का कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज 8,000 की रैंक पे मिल रहा है, यहाँ पे 70,000 की रैंक तक जा रहा है ये कॉलेज। देखिए आप जो मैं बोल रहा था, तंजावुर का मेडिकल कॉलेज देखिए आप, तंजावुर का मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, फिर से साउथ का मेडिकल कॉलेज है, 4,500 की रैंक पे आपको यहाँ मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज है यार, माँ बाप के पैसे बचाने हैं अपन को, MD करना है अपन को, 51,000 की SC रैंक पे और 68,000 की ST रैंक पे। फिर से देखो थेनू तिरुवन्नमलाई मेडिकल कॉलेज, सबकी रैंक देखो आप 6,000 के आसपास, 5,500-6,000 5,000 के आसपास, यहाँ पे 45,000-49,000 के आसपास, यहाँ पे 70,000 तक रैंक में आपको साउथ के बड़े शानदार शानदार कॉलेजेस मिल रहे हैं। ये सब ऑल इंडिया कोटे की बात अपन कर रहे हैं, हर कॉलेज तो नहीं आएगा उसमें, लेकिन ज्यादातर कॉलेज की जो कट ऑफ रैंक है वो 5,500-6,000 के आसपास है जनरल कैटेगरी में। ये सब कॉलेजेस हैं जो आप टारगेट कर सकते हो बच्चा, आपको ये ध्यान रखना है। ये देखो एक और कॉलेज VSS मेडिकल कॉलेज बुरला का, इसको आप टारगेट कर सकते हो, लोअर कट ऑफ है इसका 7,000 के आसपास रैंक पे आपको जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा, 64,000 की रैंक पे आपको ये ST कैटेगरी में मिलेगा। BMCCN सफदरजंग इंडिया का नामचीन कॉलेज है, तो फिर नामचीन है तो फिर इसलिए उसकी कट ऑफ रैंक भी उतनी ही नामचीन है, इसके बारे में तो ज़्यादा बात करके कोई फायदा है नहीं। तो ये हो गया भैया अपना लास्ट कार्यक्रम फिनिश, पूरे मैंने जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस थे सब तो नहीं कवर हुए, कुछ छूट गए इसमें, जितने मुझसे हो सके जितने का मुझे डाटा मिला मैंने उतने मेडिकल कॉलेजेस कवर कर दिए। ये मेरा आपसे वादा था कि मैं आपको ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेजेस मतलब मेडिकल कॉलेजेस की ऑल इंडिया कट ऑफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने आपको अपना वादा पूरा किया।
मेरा वादा ही है, मेरा वचन, और मेरा वचन ही है मेरा शासन। तो 2021 के कट ऑफ मैंने आपको बता दिए कि कितने के आएंगे। तो ये वाला जो मेरा मोड था जिसमें मैं आपके लिए ये लेकर आया था, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कोई चीज़ पसंद आई हो, किसी चीज़ ने आपकी मदद की हो, कोई चीज़ आपके दिल को छू गई हो, आपको अच्छा लगा हो, अच्छी एडवाइस मिली हो, सामने साफ साफ चीज़ें दिखी हों, तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना अगर आपसे कोई क्वेश्चन है और मैं आंसर नहीं दे पाया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि भाई चलो मेरी जो मेहनत है वो काम में आ रही है। वेल, अब ये पार्ट होता है ख़त्म और अब चालू होता है इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें अपन लाइव चैट और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। तो अपन ये सेशन चालू करते हैं। एक मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ पानी पीने के लिए।